गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर योर मैथ्स पीरियड. आई एम योर मैथ्स टीचर. टुडे वी स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, रैशनल नंबर, हिंदी मीडियम, परिमेय संख्या. ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, परिमेय संख्या, और इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं रैशनल नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं. व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर? परिमेय संख्या क्या होती हैं? रैशनल नंबर इज़ दैट विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं या परिमेय संख्या हमारे पास क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. जो हमारा q होता है वो कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब इंटीजर्स, लास्ट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं इंटीजर्स क्या होते हैं या पूर्णांक क्या होते हैं. तो इंटीजर या पूर्णांक क्या होते हैं? कंबाइंड सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. तो पूर्णांक या इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? कंबाइंड सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, जिसमें हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स दोनों को डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, -5, -6, -4, 1, 2, ये हमारे पास एक सेट है. तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे. तो इंटीजर्स या पूर्णांक हमारे पास क्या होते हैं? कंबाइंड सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो हम लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं. फर्स्ट है हमारे पास क्लोज़र प्रॉपर्टी. क्लोज़र प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? एडिशन की, a प्लस बी इक्वल्स टू सी, विच मीन्स 7 + 5 करने पर, यानी कि a प्लस बी करने पर मुझे कुछ c मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा. ये तो नहीं है ना कि a प्लस बी क्या तो a मिले, विच मीन्स 7 में 5 ऐड करूँगी तो 7 मिलेगा. नहीं, a प्लस बी यानी कि किसी दो इंटीजर्स को या दो नंबर्स को ऐड करने पर कुछ डिफरेंट नंबर ही हमें मिलेगा. सेम एज सब्ट्रैक्शन में भी होगा, a माइनस बी इक्वल टू सी. मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है और डिवीज़न में भी सेम आएगा कि किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो जब जो कोई आंसर आएगा वो अनदर नंबर ही होगा. उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, विच मीन्स क्रम विनिमयता, जिसमें हमारे पास क्या होता है? a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, विच मीन्स किसी दो नंबर्स को ऐड करें जिसमें से अगर हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं. तो अगर ऑर्डर की बात करें जिसमें हम ए को पहले ऐड करें बी में, या बी को ऐड करें पहले और बाद में ए को, तो दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे. फॉर एग्जांपल, 6 + 5 करें या 5 + 6 करें, बोथ आर इक्वल, 11 ही आएगा. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है माइनस के. तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस a कभी भी नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल, 7 - 5, 5 - 7, 7 में से 5 गए 2, बट 5 - 7 क्या होगा? -2. तो ये क्या है? इक्वल नहीं है. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. सब्ट्रैक्शन के केस में जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो होल्ड नहीं करती. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्या होता है? a मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं. अगर 7 - 5 करें या 5 - 7 करें, बोथ आर 35. बट इन डिवीज़न में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती. a डिवाइड बी, बी डिवाइड ए, ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा. क्यों? 7 - 5, 5 - 7, इसे हम कैसे राइट डाउन करते हैं? 7 - 5, 5 - 7, ये इक्वल नहीं है. ये वैल्यू हमें क्या देंगे? अलग अलग देंगे. सो जो क्या है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में होल्ड नहीं करती। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, विच मीन्स फर्स्ट टू नंबर को ऐड करने के बाद उसमें अगर हम थर्ड नंबर ऐड करें वो किसके इक्वल आता है, लास्ट के टू नंबर ऐड करने पर जो आंसर आएगा उसमें फर्स्ट नंबर ऐड करना, विच मीन्स ए इक्वल्स टू वन ले लें, बी इक्वल्स टू टू, सी इक्वल्स टू थ्री, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस सी, ए वन प्लस टू प्लस थ्री, ए वन टू प्लस थ्री, ठीक है। तो वन प्लस टू क्या होगा, थ्री प्लस थ्री, वन प्लस थ्री टू और फाइव, तो सिक्स इक्वल टू सिक्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या कर गई, होल्ड कर जाती है, बट इन सब्ट्रैक्शन केस जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी, सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या होता है, ये हमारे पास होल्ड नहीं करती। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में ये होल्ड करेगी और डिवीज़न के केस में ये होल्ड नहीं करेगी। लास्ट क्लासेस में ये प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं सहचारिता। उसके बाद क्या है, इनवर्स। इनवर्स मीन्स ऋणात्मक। इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, ऐसा कोई नंबर हमें फाइंड करना होता है जो गिवन नंबर पर ऐड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या दे, ज़ीरो दे, विच मीन्स इसमें हम क्या बात करते हैं, साइन की बात करते हैं, जो हमारे पास साइन गिवन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस सेवन, अगर हमें बोल दिया जाए फाइंड द इनवर्स ऑफ माइनस सेवन, तो माइनस सेवन का इनवर्स क्या होगा, विच मीन्स माइनस सेवन में हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसे ऐड करने पर मुझे क्या मिले, ज़ीरो मिले। तो माइनस सेवन का इनवर्स यानी कि उसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस का सेवन, तो माइनस सेवन प्लस सेवन इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, विच मीन्स ये क्या होता है, इनवर्स होता है और ऋणात्मक जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है रेसिप्रोकल की। तो रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है कि किसी फ्रैक्शन का या किसी नंबर का ऐसा रेसिप्रोकल ढूंढना जिसे सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आए, वन आ जाए, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर। तो अगर मैं कहूँ कि वन बाय सेवन का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ वन बाय सेवन क्या है, सेवन। अगर हम 1 बाय सेवन की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल है।